अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों जी स्टूडेंट्स, तो आज हम यूनिट नंबर 13 बैंक्स इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पीपल लाइक सर्विसमैन, बिजनेसमैन, वर्कर्स, प्रोफेशनिस्ट्स एंड एग्रीकल्चरिस्ट्स ऑल अर्न मनी। बट जिस तरह जो पीपल होते हैं, सर्विसमैन जो गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स होते हैं, बिजनेसमैन कारोबारी, वर्कर्स जो मजदूर होते हैं, प्रोफेशनिस्ट्स एंड एग्रीकल्चरिस्ट्स ये जो होते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट ये उनको कहते हैं जो फसलें उगाते हैं या जो खेती बाड़ी का काम करते हैं। ये जो सारे लोग हैं ये क्या करते हैं, ऑल अर्न कहते हैं कमाना, मनी, पैसे। ये जो जितने भी लोग हैं, कारोबारी हैं, वर्कर्स हैं या जो जॉब होल्डर्स हैं, ये सारे क्या करते हैं, ये पैसे कमाते हैं। बेटा कोई भी जो काम है हम किस लिए करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, पैसे कमा सकें। दे डू नॉट कीप देयर अर्निंग्स विद देम, दे वो डू नॉट नहीं कीप रखते देयर अर्निंग्स अपने पैसे जो उन्होंने कमाए हुए हैं विद दम अपने साथ। बेटा फॉर एग्जांपल जो बिजनेसमैन है, अगर उसको एक मंथ में 5 या 6 लाख का प्रॉफिट होता है, तो वो जो ये सारे पैसे हैं वो अपनी हर वक्त जेब में तो नहीं रखेगा। हर वक्त वो 5-6 लाख जो पैसे हैं वो अपनी जेब में अपने साथ तो नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट मे बी स्टोलन और रोब्ड, क्योंकि कोई भी चोर उसे छीन सकता है। तो पैसे हर वक्त कोई अपने पास नहीं रखता, ज़्यादा पैसे अपने पास कोई भी नहीं रखता ताकि कोई उनसे छीन ना ले। सो दे नीड देयर कैश सेफ एट सम प्लेस, सो दे नीड उनको ज़रूरत होती है देयर कैश सेफ, ताकि उनके जो कैश है, कैश का मतलब पैसे हैं, सेफ रहें एट सम प्लेस, कोई ऐसी जगह। बेटा उनको किसी ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पर उन्होंने जो पैसे कमाए हुए हैं वो क्या रहें, सेफ रहें, वहाँ से कोई चोरी ना कर सके। तो उनको एक ऐसी जगह की ज़रूरत होती है, दे नीड। बैंक इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन कीप योर मनी सेफ, सो बैंक बेटा इज़ अ प्लेस एक जगह है वेयर जहाँ यू कैन कीप आप रख सकते हैं योर मनी अपने पैसे सेफ महफूज। तो बैंक में आप जब पैसे जमा करवाते हैं तो आपके पैसे जो है वो चोरी नहीं होते, वो बहुत सेफ रहते हैं। एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग स्टोलन, प्रोटेक्ट बेटा कहते हैं हिफाजत करना फ्रॉम बीइंग स्टोलन, स्टोलन चोरी। तो बैंक क्या करता है, आपके पैसों को सेफ रखता है और चोरी होने से उनकी प्रोटेक्ट करता है, उनकी हिफाजत करता है। पुटिंग मनी इन अ बैंक इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ सेविंग, पुटिंग मनी इन अ बैंक बेटा इसका मतलब होगा बैंक में जो आप पैसे जमा करवाते हैं इज़ ऑल्सो अ वे, वे कहते हैं एक जरिया है, एक तरीका है ऑफ सेविंग, पैसे बचाने का। दिस सेविंग helps you in the time of need and emergency. These savings बेटा वो जो पैसे आपने बैंक में सेव किए हुए हैं, आपने बैंक में रखवाए हुए हैं, helps you मदद करेंगे in the time of need. Need कहते हैं ज़रूरत के वक्त, and emergency और जब आपको कोई emergency होगी, आपको बहुत ज़रूरत होगी, तो आप क्या करते हैं, आप बैंक से वो जो पैसे हैं वो निकलवा सकते हैं। कब निकलवा सकते हैं, जब आपको कोई ज़रूरत पड़ी है, ये कुछ emergency है, वो जो सेविंग्स जो हैं वो आपकी बहुत हेल्प करेंगी, आपके काम आएंगे। पीपल हु वॉन्ट टू कीप देयर मनी इन अ बैंक, बेटा अगर लोगों ने, पीपल कहते हैं लोगों को, हु जो वॉन्ट जिन जो चाहते हैं टू कीप देयर मनी अपने पैसे रखवाना, जो बैंक में अपने पैसे रखवाना चाहते हैं इन अ बैंक, तो उनको क्या होना चाहिए, हैज़ टू ओपन, उनको ओपन करवाना चाहिए एन अकाउंट इन द बैंक। तो बैंक में अगर आपका अकाउंट ओपन है तो तब ही आप जो है पैसे बैंक में रखवा सकते हैं, सेव करवा सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं है तो आप बैंक में पैसे नहीं रखवा सकते। द पर्सन विद हिज अकाउंट इन द बैंक इज गिवन अ चेक बुक एंड पासबुक, द पर्सन आदमी विद हिज अकाउंट जिसने बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लिया है इन द बैंक, ऐसा आदमी जो अपना बैंक जो है बैंक अकाउंट ओपन करवा चुका है, इज गिवन अ चेक बुक, उसको एक चेक बुक दी जाएगी एंड अ पासबुक। बेटा जिस तरह अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी है तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो चेक बुक होगी आप वहाँ से एक चेक निकालेंगे, उसके ऊपर जितने आपको पैसे चाहिए आप उतने पैसे लिखेंगे, और आपने अगर बैंक के अंदर पैसे रखवाए हुए हैं तो आप वो आके पैसे निकलवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेक बुक। जी प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि बैंक हमारी क्या हेल्प करता है, हमारे पैसों को सेव करता है और हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम पैसे निकलवा सकते हैं। ओके जी प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।